चंडीगढ़ में गुरुवार को सिख आर्ट्स एंड फिल्म फेस्टिवल के आयोजन को लेकर प्रेस वार्ता रखी गई। यह प्रोग्राम यूएस में 15 सालों से किया जा रहा है, जो भारत में पहली बार शुक्रवार को मनाया जाने वाला है, जिसमें अलग अलग तरह की डॉक्यूमेंट्री मूवीज़ दिखाई जाएंगी, जो शुक्रवार को चंडीगढ़ के टैगोर थिएटर में किया जाएगा। जो कल प्रोग्राम होगा सिख लेंस सिख आर्ट्स एंड फिल्म फेस्टिवल चंडीगढ़ 2020, पहली बार इंडिया में। इट्स बिन रनिंग इन द यूएस फॉर ओवर 15 इयर्स एंड इट स्टार्टेड आउट विद अ 4-hour फेस्टिवल एंड इट नाउ इज़ अ 4-day फेस्टिवल। वी शोकेस डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स मोस्टली विच आर about 6 subjects all over the world and include the scholarship films that the students make. Also showcase films by alumni and other filmmakers about 6 subjects, or the filmmakers might be Sikh themselves. And the reason for doing this is living in the West, we realize that Sikhs are very misunderstood and we need to educate people about who we are. It's that simple. We need to create awareness ourselves and tell our own stories. In the process, it's also happened that we've been able to inspire many young people and older people, especially our youth who are growing up in a Western culture and know absolutely nothing about our history and about our religion. And also, it gives an opportunity for young artists, writers, authors to showcase their talents, because we also have a section called Creative Six, and we have authors come and read stories to the children about their children's books. So it gives an opportunity and a platform to many people to showcase their talents. Thank you so much, ma'am. And another question is it limited to India, or it is matlab bahar bhi ye hamara cheez phaili hui hai, Sikh industry matlab jo art hai hamara? So Sikh Lens is headquartered in California, and we are embedded in Chapman University. Through their productions, we are having film festivals. We have a program called Sikh Lens in a Box, and that is a mini version of the program, and which is happening around the world. You know, we have festivals in England, other parts of the cities in Canada, and this is the first time we are bringing the festival here in Chandigarh. जो कल फिल्में हैं 17 films हैं, जिसमें से 5 इंडियन productions हैं और 12 foreign productions हैं, from Australia, America, UK, Scotland. और it's a mixed bag. जैसे फौजा सिंह साहब की documentary भी चल रही है, जलियांवाला के 100 years भी चल रही हैं, fiction भी है, crime भी है, comedy भी है, real life inspiring भी हैं, कोई community की कोई problems हैं, fashion के ऊपर है film. सो इट्स अ मिक्स्ड बैग. इसमें विमेन सेंट्रिक फिल्म्स भी हैं, बच्चों वाली फिल्म भी है, रू इज़ वेरी मच चाइल्ड सेंट्रिक फिल्म, और थोड़ी हार्ड हिटिंग सब्जेक्ट्स भी हैं. सो इट्स अ मिक्स्ड बैग, क्योंकि पहली बार फेस्टिवल इंडिया में कर रहे हैं, तो जितनी मैक्सिमम ऑडियंस की डाइवर्सिटी हम केटर कर पाएँ वो हमने ख्याल रखा है कि इस बार हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो वो सारा मिक्स बैग एक बार ज़रूर करें. और ये बहुत सालों से कैलिफोर्निया में हो रहा है, पिछले सर 18 फिल्म फेस्टिवल हैज़ बीन 18 ईयर्स, और इंडिया में पहली बार आ रहा है. सो बहुत सारे लोग भारी तादाद में इंडिया से बाहर जाते थे, इस टाइम हमने कोशिश की कि फेस्टिवल को ही इंडिया ले आएँ, सो दैट मैक्सिमम लोग यहाँ इस फेस्टिवल का लुत्फ़ उठा पाएँ. एंड एंट्री इज़ फ्री, सो वी इंकरेज अ लॉट ऑफ पीपल टू कम एंड वॉच द फिल्म्स. और इसमें हमारे पास गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड आर्टिस्ट विनोद चौहान साहब, डॉक्टर देवेंद्र पाल, ऑलमंड सिंह, लिली मैम, मिंटो सिंह, इन सब की परफॉर्मेंसेज हैं, इनका डिस्प्ले वर्क ऑफ आर्ट है, एमी सिंह का, ये आप इस पर ले सकते हैं. तो ये सब हमारे बीच प्रस्तुत होंगे. हाँ जी, एंड फॉर ऑल एज ग्रुप्स, यू नो, ये सब लोग आके देख सकते हैं. 80 गुरुद्वारस की फोटोग्राफी एग्जीबिशन है, सो वी हैव A day packed of entertainment. ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें.